अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्केचअप के कंपोनेंट ऑप्शन विंडो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्केचअप को ओपन कर लेते हैं और हमारे पास विंडोज में आकर कंपोनेंट ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कंपोनेंट्स में आ जाते हैं और कंपोनेंट्स में आकर हमारे पास कंपोनेंट्स का ऑप्शन है और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, डायनेमिक कंपोनेंट ट्रेनिंग है। हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास डायनेमिक्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास फेंस है और एक कैफे टेबल भी है। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले फेंस को ले आते हैं। फेंस को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया और शेडोज हमारे ऑन है, हम शेडोज को ऑफ कर देते हैं। शेडोज ऑफ हो गए। अभी होता क्या है कि अगर हम इसको वैसे रिसाइज करते हैं तो ये सारा स्ट्रेच होगा, ये सारा रिसाइज होगा। तो अगर हमने कंपोनेंट ऑप्शंस में जाते हैं तो कंपोनेंट ऑप्शन में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंपोनेंट ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, आपने उस पर क्लिक कर देना है। इसमें क्या हो रहा है कि आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें जो हैं उनमें आप चेंजिंग ला सकते हैं। लेट्स सपोज अब ये हमारे पास फेंस है तो इसका हमने पहले साइज चेंज करना है। अगर हम इसका साइज चेंज करेंगे, यहाँ पर हम इसका साइज इतना लाए, ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये देखें इसकी फेंस की जो स्पेसिंग है वो 5 इंच है हमारे पास। अब अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं 8 इंच कर देते हैं, हमने 8 इंच की इसमें स्पेसिंग ज्यादा हो गई है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। लेट्स सपोज आप बड़े एरिया पे फेंसिंग करें तो बजाय कि आप एक एक चीज को कॉपी पेस्ट करें, आप एक फेंस लगाते हैं और इसमें स्पेसिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप इसको मूव करते जाएंगे और इसकी ऑटो पे इसके अंदर फेंस लगती जाएगी। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे तो सिर्फ हमने स्पेसिंग को सेट किया, अगर हम इसका कोई और ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, लाइक हमारे पास इसको उठा लेते हैं, ये हमारे पास एक अलमारी टाइप है, इसको उठा लेते हैं और इसमें देख लेते हैं। इसमें हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और कंपोनेंट ऑप्शन में आ गए। ये देखें स्टार्ट में ये पूछ रहा है कि हमारे पास मटेरियल्स आ गए, यहाँ पे हम इसको रेड भी कर सकते हैं अगर अप्लाई करेंगे तो। हम कर लेते हैं चेरी वुड कर लेते हैं। अगर हम इसको ये अप्लाई, ये देखें इसका कलर होगा चेंज। अब इसकी डेप्थ क्या है, इसकी 12 है तो हम कर देते हैं लाइक 16 इंच कर देते हैं। और हाइट इसकी कितनी है, 30 है, तो जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो इसके जो शेल्फ है वो भी साथ साथ बढ़ जाएंगे। हम कर देते हैं जी 72, हमने 72 इसकी हाइट कर दी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये देखें इसकी डेप्थ भी इंक्रीज कर गई है और इसकी शेल्फ भी इंक्रीज कर गई है, इसकी हाइट भी इंक्रीज कर गई। अभी हम इसकी विड्थ को भी कर सकते हैं और इसकी थिकनेस दी भी है। हम इसकी थिकनेस को कर देते हैं 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये देखें जब हमने इसकी थिकनेस को चेंज किया तो ये चेंज हो गया। तो कंपोनेंट ऑप्शंस के जरिए हम बहुत ही आसानी से चीजों को चेंजिंग ला सकते हैं, उनकी मटेरियल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, उसमें डेप्थ, उसकी हाइट, विड्थ और थिकनेस सारा कुछ एक क्लिक से हम चेंज कर सकते हैं, बजाय कि हम मैनुअल एक एक चीज को ड्रा करें और उसको बनाएं। कंपोनेंट में ये एक खूबी है कि ये चीजें हम बहुत इजिली हम उनको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कंपोनेंट ऑप्शन टूल जो है इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।